अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर का हलवा, या हम इसे बोल सकते हैं कि खजूर के हलवे की टिक्की, या इसे हम थर्ड नाम ये भी दे सकते हैं कि स्वीट डिश विदाउट शुगर। यहाँ पर मैंने 25 से 30 खजूरें ले ली हैं, उनको मैंने धो लिया, गुट्टी निकाल ली, और यहाँ मैं ले रही हूँ देसी घी 2 से 3 चम्मच। आप बटर भी ले सकते हैं, दूसरा कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, या घी भी ले सकते हैं। 2 चम्मच खसखस यानी कि खसखास, और पिस्ता 20 से 25 अदद। आधा चम्मच है ये सफ़ेद तिल, और आधा चम्मच है सब्ज़ इलायची पाउडर, 10 से 15 बादाम। चले आइए अब हम इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, और 1 चम्मच छोटा मैं देसी घी का डालूँगी। इसमें डालेंगे पिस्ता, बादाम, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे हल्की आंच पर, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस ऐसे 1 से 2 मिनट। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इन खजूरों को ग्राइंडर में डालेंगे और इसको पीस लेंगे, यानी कि इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम खजूर का। ये देखें, खजूर को मैंने ग्राइंड कर लिया, यानी कि उसका पेस्ट मैंने बना लिया। इस तरह बनाए, इसमें पानी नहीं डालना, वैसे ही इसको ग्राइंड करना है, कुछ भी नहीं ऐड करना है इसमें, ना दूध ना पानी। फ्राई करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने बादाम और पिस्ते को किया, 3 से 5 मिनट तक। मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिया था यानी कि घी। अब इसको हम सेकेंगे बहुत हल्की आंच पर, अच्छे से इस घी में हम उसको सेक लेंगे। ये सिक गया हमारा, इनके ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हमने फ्राई किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड करने, और 1 चम्मच खसखस यानी कि खसखास, और आधा आधा चम्मच हमारा सब्ज़ इलायची का पाउडर और सफ़ेद तिल। ये देखें, ये सारा इसमें मिक्स हो गया है, सब्ज़ इलायची का पाउडर, सफ़ेद तिल, खसखस, बादाम और पिस्ता, अच्छे से इसमें हमने लगा लिया। देखें बर्तन से चिपक नहीं रहा, तो यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद
ये देखें अच्छे से इसको लग गई है। हर तरफ से इसको पिस्ता और खुशखास चिपक गई है साथ, तो कवर करेंगे, गोल करते जाएंगे। ये रोल कर देंगे, इस साइड को भी हम बंद कर देंगे, फिर दूसरी साइड को भी बंद करेंगे। अब हमें इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे और आपको दोबारा से दिखाएंगे। काटेंगे इसे, ये देखिए बिना शुगर के स्वीट डिश है। अल्लाह हाफिज़।